राम राम यूट्यूब फैमिली। राम राम। आज के इस ब्लॉग की शुरुआत हम सुबह के 9:30 बजे से कर रहे हैं और नाश्ता हमारा हो गया है। हाँ, और मेरा भी हो गया। हाँ, और आज मैं थोड़ा सा लेट होगी ब्रेकफास्ट करने के लिए। हाँ, और आज हम यहाँ बाहर से ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, इस वाले बरामदे पौड़ियों वाले की जगह से, यहाँ से। और गाइस अभी ना मैं ना सूट की कटिंग करने बैठी थी और बहजी तो अभी आए ब्रेकफास्ट करके, उन्होंने नहीं की अभी कटिंग। और क्या, और गाइस मैं भी करूँगी एक सूट की कटिंग आज। हाँ, वैसे तो ना मैं बहन जी को बोल रही थी कि रहने देते हैं आज ना, सूट की कटिंग नहीं करते हैं। हाँ, क्योंकि आज ना हम मायके जा रहे हैं, शायद 5:30 वाली बस में जाएंगे मायके। तो वैसे मैंने सोचा था कि कोई कटिंग नहीं करनी आज सूट की, जो है सूट उसमें थोड़ी सी तुरपाई बची है उसकी तुरपाई करनी, पर बहन जी ने बोला नहीं कर देते हैं। हाँ, तो बस सिलने तो पड़ गया, नहीं सिलने तो पड़ेंगे ही। तो मैंने सोचा क्यों वहाँ जाके कर लेंगे तुरपाई वगैरह, यहाँ स्टिच कर लेते हैं जल्दी से। और चलो दिखाते हैं कौन सा वाला करना है। पहले ना आपको व्यू दिखाती हूँ मैं। अभी धूप निकली लेकिन हल्की हल्की सी है। आ जाएगी भाई। चलो बहन जी दोबारा मेरे बाजू से हाथ में। चलो चलो दिखाओ कौन सा सूट कर रहे हैं हम कट। मैंने सोचा आप ऐसा बोले दिखाओ तो दुकान पे दास्ता यहाँ पे। चल चल, एक ये वाला सूट है ना, ये बस सलवार बची ना और कुर्ती मैंने कर दी कट। कोई ए ठीक हो मंजेठ हो करती हो ये कुर्ते, ये हमारे सूट की तरह ही है। सेम डिजाइन थोड़ा सा लग गया वैसे वैसे यही। और बहन जी ना इस वाले सूट की करेंगे कटिंग। चलो करो, अब ना कटिंग करने के बाद ही मिलेंगे हम। हाँ जी। तो गाइस अभी स्टिचिंग करने के बाद ना मैं कटिंग करने के बाद मैं स्टिचिंग लग पड़ी थी करने ना, और अभी भैंस को अंदर बांधने का टाइम भी हो गया है और नहलाना भी है अभी भैंस को। धूप आ गई है, कट्टी को भी आ गई धूप, धूप में बैठी है। रुक बननी थी जिंदर। और मैं ना आज बहन जी को लेकर नहीं आई क्योंकि वो स्टिचिंग कर रहे हैं, और अगर फिर मैं गोड लेकर आऊँगी तो फिर उनका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने सोचा कि करने देती हूँ स्टिचिंग। मैं भी ना बोले आ गई, मजे भी आ जाएंगे अब पीछे पीछे। तो यूट्यूब फैमिली दोपहर का 1 बज गया, लंच बनकर तैयार हो गया मेरा। लंच में मैंने चावल और मसर लाल मसर की दाल बनाई, ये रही, और साथ में थोड़ी सी रोटियाँ। बस अब फ्री हो गई मैं, और वैसे जो मैं सूट स्टिच कर रही थी उसकी कुर्ती मैंने स्टिच कर दी ना, और बहन जी ने बोला मैं सलवार स्टिच कर देती हूँ। मैंने सलवार स्टिच करके आ गई बस 5:00 बजे। बहन जी बोल रहे हैं कि आप ना मेरे पोंचे बना दो क्योंकि उनके हाथ में ना दर्द है, तो इसलिए उनसे नहीं बनेंगे पोंचे। तो आप उठो और ना रुको, मैं गाइस को कुछ बता रही थी। और गाइस हमने सोचा था ना कि हम एक एक सूट स्टिच करके जाएंगे अपने मायके पर, ना हम ना स्टिच नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा ना बाद में प्लान बना कि हम ना एक ही सूट स्टिच करते हैं जो मम्मी का है। तो कमीज बहन जी ने ले ली और सलवार मैंने ले ली स्टिच करने के लिए। आप ना पहुँचा मैं बना देती हूँ ले आए कमीज, कुछ तो लग रहा है क्योंकि जाना पड़ना पड़ा। अम्मा जी ना, और अम्मा जी तकिया बना रहे थे, पता नहीं कहाँ पर रखा अम्मा जी ने, वहाँ पे रख दिया वो। फिर हाँ मैं दिखाती हूँ आपको, ये तकिया बनाया अम्मा जी ने। तो यूट्यूब फैमिली 3:30 हो गए और अब हम सोच रहे हैं कि रेडी हो जाते हैं क्योंकि हमने 5:20 की बस लेनी है। और ना बहन जी ने यहाँ पे अपना सूट प्रेस करके रख दिया है, ये वाला सूट ले जाना है आज पहन के हमने। और मैंने ना अभी सूट भी प्रेस नहीं किया है, पर उसे प्रेस करने में तो कितनी देर लगेगी, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और ना पहले अभी फेस वॉश कर लेते हैं, फिर उसके बाद होना है रेडी। और अभी हमने पैकिंग भी नहीं की है सूट की, जो सूट लेके जाने हैं। बहन जी लग पड़े फेस वॉश करने। तो यूट्यूब फैमिली अभी मैं तो तैयार हो गई हूँ ना, और 4:30 हो गए, 4:30 से ऊपर हो गया टाइम, और बहन जी अभी आ ही नहीं रही हैं।
पैकिंग भी होगी मेरी। भैंजी क्या देख रहे हो बाहर खड़े होकर? भैंजी मुझे दिखाओ। आप ना पैक कर दो इसमें। क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने लिपस्टिक नहीं लगा लो तो। और ना आधे सूट ना हमने दे दिए थे तो इस बार ना कम ही है ले जाने के लिए स्टिच किए हुए सूट। ये बहन जी मैं इस वाले बैग में ही डाल दूँ या अपना वाला बैग लाना आपने? इस वाले में डाल दूँगी। ठीक है। ये वाले लिपस्टिक लगाई हमने। ये लगाई। दिखाती हूँ मैं, इस किट में डाल दी मैंने ये, लगा लो और तब तक मैं पैक कर लेती हूँ सामान को। तो मैं तो सामान लेकर बाहर निकल गई, लेकिन बहन जी कब से बोल रहे हैं लेट हो गए लेट, और खुद निकल नहीं रहे हो आप। चलो बस 5 मिनट लगेगा। और गाइस बहन जी ऊपर ना बुआ जी भी आए हैं। कौन से बुआ जी? जो कल वाले बुआ थे। और मम्मी जी ना शॉपिंग करके आए तो उन्होंने बोला ना कि आज हमीरपुर गए थे मम्मी जी, तो वो शॉपिंग करके आए और वो बोल रहे हैं ना कि आपने सूट देखने हैं ना तो जल्दी से आ जाओ। चलो चलो टाइम क्यों हुआ? 4:45। चलो है 15 मिनट। आइया। और ना हमेशा की तरह ना हमने ना अपनी मम्मी को नहीं बताया कि हम आ रहे हैं। हमने मम्मी को बोला है ना कि हम कल वीरवार को आएंगे। आज सुबह मम्मी पूछ भी रही थी कि आपने ना वीरवार को क्यों आना, आप अच्छा दिन है आज, आज ही आ जाओ बुधवार को। और मैंने बोला मैं नहीं आऊँगी, मैं कल ही आऊँगी। क्या हुआ? मैंने बोला हमेशा की तरह हमने मम्मी को नहीं बताया कि हम आ रहे हैं। मैं तो बोल रही थी बहन जी को कि चलो बता देते हैं, तो जाके कहीं खाना नहीं बनाना पड़ जाए हमें। तो मैं चक्कर पहन लेती हूँ। जुत्ती पहनी आपने? हाँ। बाद में बता देना व्यू देखो। तो मम्मी जी हमीरपुर से कपड़े लेकर आई थी, वो देखिया भी हमने। तू कौन सी लियो बड़ी? सोमवार आई है ना। क्या सोमवार? मम्मी जी ने बोला जब भंडारा होगा तब आना। कब है भंडारा? हाँ अम्मा बोल के महीने बाद आने हो। काला भी ना कदी। अच्छा अभी हम जा रहे हैं दूर आपकी मम्मी के मामा के घर। हाँ अपनी मम्मी के पास। ठीक है आ जाएंगे। बाय। भागो बहन जी। बुआ ऊपर है कि बोलने लाल सूट पहन के दूर रहने। सोमवार भंडारा खाई ले। भंडारा चली 5:20 बस। नहीं आया टाइम हल्दी। तो गाइस बैठ गए हम कक्कड़ बस स्टैंड में बस का वेट करने, और व्यू सामने का ये हमारा बस स्टैंड, वहाँ से आए हम सामने से। तो
तो गाइस एक कमेंट आया था कि आप जब भी किसी के पैर छूते हो तो चुन्नी हाथ में लेके उनके पैरों से उनके पैर क्यों छूते हो? हाँ, चुन्नी हाथ में लेके। तो बहन जी बताओ, सब ऐसे करते हैं, किसी के भी पैर ऐसे हाथों से नहीं छूते, जैसे चुन्नी ले ली ऐसे हाथों में ना, फिर ऐसे 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 करते हैं डायरेक्ट पैर डायरेक्ट हाथ लगाते पैरों से। हाँ जी। और दूसरा कमेंट कि जैसे कल के ब्लॉग में हमारे बुआ जी आए थे तो हमने उनके पैर छुए, और बाकी जो बैठे थे ना मम्मी जी मासी जी अम्मा जी कोई कौन कौन थे, तो उन सभी के साथ में क्यों छुए? तो क्योंकि हम ना अगर एक इंसान का पैर छू रहे हो तो सामने जो भी कोई भी बड़े बैठे हों ना, तो उन्हें इग्नोर नहीं करते, उनके भी साथ में पैर छू देते हैं। हाँ बस यही। तो नहीं गई बहन जी? नहीं बस नहीं नहीं आई। हाँ तो गाइस हम पहुंच गए ना, और बहन जी इतना सारा क्या है जी? ये बहुत सारी। हाँ बच्चे भी बहुत है ना। हाँ चलो, और ये शहरों जैसी गलियाँ ये हमारे ससुराल में नहीं मिलेगी देखने को। हाँ यहाँ पता नहीं चलता कहाँ जाएं, कहाँ से निकलें। भागवान जी, और शायद मम्मी ना भागवत से आ गए होंगे, क्योंकि अभी ना भागवत से लोग आ रहे हैं। मैं आगे दिखाऊंगी आपको कि भागवत कहाँ बैठा है। ये मंदिर है छोटा सा। हाँ खड़ोवा। हाँ बहुत ही, अभी पता नहीं कहाँ पर है। और यहाँ ना एक भालू हुआ करता था पहले, याद ही? हाँ। क्या चलो बाएं ऊपर भागवत वहाँ बैठा था। कल से हम भी जाया करेंगे। और यहाँ ना इस वाले पहाड़ से ना पत्थर गिरते हैं नीचे सिर के ऊपर। सिर के ऊपर? हाँ यहाँ एक गोड था वो भी गिर गया, हर बरसात में गिरते हैं। और यहाँ पे आप जितनी बार जाते हो माई, क्या आप इस पहाड़ को? पहुंच गए उठ पर खरे। राम 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 राम। आए हूं तू? मम्मी ने मना किया है। हाँ ये ठीक है, हुई को आई पर नमस्ते मिल लो। मम्मी सुड़ो ही नहीं आज, जल्दी चल। मम्मी पता हा पर दरवाजे खोलना एक मिनट। माहौरा दिल लगी जब मम्मी पता नहीं। मम्मी गलाओ भी बोले तू ने, बोले तू ही गलाए कि दिखे, मतलब तू आना बोले आज। चलो चीजी लाइए पर वो सारी किसकी? अच्छा लड़की हो गई मामी की। अच्छा अच्छा चलो आ जाओ। तो बोला था कि मुझे पतरोड़े बना के भेज देना, तो मम्मी ने भेजे किसी के पास। हेलो
अब हम दूसरे घर चले, अपने नए वाले घर। आइए मम्मी। फोन में पापे रोना, पापे उन दा सुना हाँ, पापे संजय दा सुना हाँ, नहीं नहीं पापे अंजना, पापे उन दा सुना हाँ, अंजना सुन पापे उन दा सुना, पापे काल ब्लॉग दिख देता लगना हाँ, बता पापे हो ठीक है। अरे मिली ले मिली लबड़ी। चूड़ी किसने दी आपको? मैंने। किसने? मैंने मैंने। हर्षू आप तो बड़े हो गए, आप तो बड़े हो गए। जय जय भी कर दो। एक मिनट अपनी नेल पेंट दिखाओ। बाबा ने लगाई। अच्छा हशु तनु कोई तनु कोई अंदर ही इस बाहर अंधेरा हो गया और हम अभी तक हमने कपड़े चेंज नहीं किए। मामी मामी ओ ही बैठा पर मामी तो सीन करके